हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमें आज कुछ सामान ख़रीदना था, मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं मार्केट। तो हमें एक आइडिया आया कि हम लोग जाएं विशाल मेगा मार्ट, जो कि अभी अभी न्यू ओपनिंग हुई है भुंतर में। और कुल्लू टू जो भुंतर का डिस्टेंस है वो 9-10 किलोमीटर है। तो अभी हम जा रहे हैं और हम रेडी हो चुके हैं, और अभी मेरी बहन मेरा वेट कर रही है तो मैं जा रही हूँ। तो यहन जो कि रेडी हो चुकी है, अभी हम इसके रूम आए थे वहीं से हम लोग जा रहे हैं, कहीं घर वगैरह नहीं गए थे हम। तो अभी हम जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको कुछ देर में और दिखाते हैं कहाँ पे विशाल मेगा मार्ट की न्यू ओपनिंग हुई है और वहाँ का एरिया आपको दिखाते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और ब्लॉग में बने रहें। 25 मार्च है और आज ऑफिशियली छुट्टी है होली की, बट जो कुल्लू में है वो पिछले कल ही मनाई गई थी होली पूरी, मतलब छोटी होली मनाते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ वीडियो थी जो यहाँ पे किसी कमेटी वालों ने ऑर्गेनाइज किया था, डांस वगैरह, तो काफ़ी बच्चे लोग होली वगैरह इन्जॉय किए थे। और पिछले कल जो छोटी होली थी उस दिन वो सब चीज़ें अरेंजमेंट करी हुई थी। और हमें लालपुर चौक से मिल गई है भुंतर के लिए बस, यहाँ पे लालपुर चौक से ही आपको भुंतर के लिए बसेस मिलेगी, मतलब हर 5 मिनट बाद बसेस चली रहती है। और जो विशाल मेगा मार्ट है वो बिल्कुल अपोजिट है मणिकर्ण चौक के। और यहाँ पे स्टार्टिंग में सब कुछ ऑफिस वगैरह का पूरा बोर्ड बना हुआ था। गाइस, कुछ लोगों को शॉपिंग करनी नहीं आती है। क्या अच्छा चल रही है? अब हम घुस चुके हैं बच्चों वाले सेक्शन में। मैं हमने रुद्राज के लिए भी कुछ देख लेती हूँ। हमें लड़कों के कपड़ों से ज़्यादा लड़कियों के कपड़े ज़्यादा पसंद आ रहे थे, बट हमारे घर में कोई भी लड़की नहीं है, हमारे पास चुन्नू मुन्नू सारे लड़के लड़के हैं। तो ये सेकंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में सारा आपको इधर साइड मेन सेक्शन मिलेगा और ये सब टैचियों के लिए भी आप आ सकते हो। और ये डफल बैग, ये सबसे ऊपर सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे आपको सारा क्रॉकरी का सामान मिलेगा, मतलब हर एक चीज़ में आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। वाले सेक्शन में आपको क्रॉकरी, खाने पीने का सामान, वो सब चीज़ें मिलेगा। और सेकंड फ्लोर पे मेंस का सामान है। और लास्ट फ्लोर में जो फर्स्ट फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर, उसमें बच्चों का सेक्शन है, लड़कियों का सामान है। हम लोग हो चुके हैं शॉपिंग करके फ्री, और ये है हमारा, और हम वेट कर रहे हैं हमारी बिलिंग के लिए। तो हम लोग हमारी शॉपिंग करके फ्री हो चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं भुंतर मार्केट की तरफ, थोड़ा वहाँ भी हमें सामान वगैरह ख़रीदना है। तो यहाँ से थोड़ा पैदल बाय रोड, यहाँ पे आपको जब कुल्लू के लिए बसेस लेनी है तो आपको मेन रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि बस स्टैंड से मतलब मणिकर्ण साइड बसेस जाएगी या दूसरी जगह पे। पर अगर आपको कुल्लू के लिए लोकल बस चाहिए तो यहाँ मेन रोड पे आना पड़ेगा, ये बस खड़ी है, तो हम इसमें जा रहे हैं। ओके ओके, कुल्लू वाले, कुल्लू वाले, चलो
जब गुंतर से आए उसके बाद हम चले गए ब्यासा मोड़। हमें सामान खरीदना था बट मतलब बेसिकली मुझे ब्लेज़र ख़रीदना था, वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला क्योंकि वुमेन सेक्शन, वुमेन जो ब्लेज़र है वो कहीं पे भी नहीं था। तो हम दिप्ती मार्केट से होके फिर सोचा कि ये देख लेते हैं जो ये सेंट्रल मॉल खुला है बस स्टैंड में, अभी न्यू ओपनिंग हुई है, अभी कुछ शॉप्स की ही ओपनिंग हुई है, खाने पीने की जो जगह है उनकी ओपनिंग हुई है। बस आगे रखना टांग, बस नॉर्मल वो तो हो गई है। ये है कुल्लू बस स्टैंड में सेंट्रल मॉल खुला हुआ न्यू, जहाँ पे अभी कुछ कुछ ही शॉप्स है, मतलब जिसमें सामान वगैरह भरा है। हमें यहाँ पे जो हमें चाहिए था सामान वो नहीं मिला, तो हम ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर क्या क्या। मतलब प्यूमा शोरूम निकला है यहाँ पे, प्यूमा और पता नहीं। अभी यहाँ पे भी काफ़ी शॉप्स खाली है जहाँ पे अभी सामान भरना है, मतलब यहाँ पे वाइल्ड क्राफ्ट का भी शोरूम है और इश्री है, काफ़ी अच्छे अच्छे सूट्स है इसमें, सूट्स के भी काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शंस है यहाँ पे। टाइटन शोरूम, चल यहाँ पे मैक्सिमम शॉप्स है जो अभी बननी ही है। वीवा का शोरूम भी यहाँ पे बनने जा रहा है और जॉकी भी इधर, मतलब सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स की शॉप इस सेंट्रल मॉल में बन गई है ऑलमोस्ट। ये बाटा का शोरूम, हमें यहाँ से रास्ता नहीं मिला एग्जिट का, तो हम पॉड भी सी नीचे को जा रहे हैं। वी टू कैंटीन, ये हमारा कुल्लू बस स्टैंड। यहाँ पे जो 2 नंबर काउंटर है वहाँ पे नगर मनाली के लिए बस लगती है, और ये जो 3 नंबर पे है, 4, यहाँ पे मनाली के लिए बसेस लगती है। तो फाइनली हम फ्री हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ, जो कि है हमारा गौर निवास के पिछले साइड। गौर निवास जो है वो ढालपुर में ही है, मतलब वहाँ पे खाने पीने के लिए फैमिली रेस्टोरेंट है तो उसके पीछे ही है। तो होप कि आप सभी को मेरी वीडियो ब्लॉग अच्छी लगी हो। तो हमने ये सब लिया है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये मैंने रुद्राज के लिए लिया है, मेरा रुद्राज ऐसा ही दिखता है। तो अब हम फाइनली घर भी पहुंच चुके हैं और आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही था। बस ये था कि हम आज घूमने भी गए और सामान वगैरह भी खरीदा, और पहली बार विशाल मेगा मार्ट भी गए, और इसमें मैंने ये भी बताया कि विशाल मेगा मार्ट कहाँ है और वहाँ तक कहाँ से बस लेनी है और कैसे जाना है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो आज की, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।